हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं एसके सुजू किचन। आप अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज हम पास्ता की रेसिपी लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 गिलास पानी ऐड करके इसमें पास्ता को उबाल लिया है। हमारा पास्ता उबल चुका है, तो हम अभी इसे बनाने की ओर बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल डाल के इसे गरम कर लिया है। तेल के गरम होते ही मैंने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, लहसुन का टेस्ट पास्ता में बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर डालें। लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, तब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस इसे ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, तब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से कर लेंगे, भून लेंगे। इसके बाद मैंने एक कटा हुआ टमाटर इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारा जब हल्का से सॉफ्ट हो जाएगा, तब इसमें हम टोमेटो सॉस और रेड चिली सॉस में डाल देंगे। एक चम्मच मैंने लिया है दोनों, तो इसे भी अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक पैकेट पास्ता मसाला ऐड किया है इसमें। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच पानी इसमें यूज़ किया है। इसमें 2 चम्मच पानी आप ऐड कर दें, इससे इसका सॉस बहुत अच्छा बन जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके हम इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद हमारा पास्ता देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे इस तरीके से। मैंने बहुत आसान तरीक़े से आपको पास्ता बनाना सिखाया है। बहुत ही कम सामान से मैंने बनाया है, घर के सामान से मैंने इसे रेडी किया है। तो आप भी ज़रूर बनाएं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और आगे आप क्या रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और साथ ही साथ इसे शेयर